सफल बने, समर्थ बने, पावन बने जीवन। मीठी मुरली सुन के पाए सुख सघन। आज का चिंतन। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। प्यार का सागर, पवित्रता का सागर। आज हम बच्चों को बाबा कह रहे हैं, तुम्हें पवित्र रहने का व्रत लेना है। बाकी निर्जल रखने, भूख हड़ताल आदि करने की जरूरत नहीं। पवित्र बना तो विश्व का मालिक बन जाएंगे। साथ में बाबा हम बच्चों को पूछ रहे हैं, इस दुनिया में जो इस समय सबसे अच्छे कौन हैं और कैसे। बाबा कह रहे हैं, इस दुनिया में इस समय सबसे अच्छे गरीब हैं, क्योंकि गरीबों को ही बाप आकर मिलते हैं। साहूकार तो इस ज्ञान को सुनेंगे ही नहीं। बाप है ही गरीब निवाज, गरीबों को ही साहूकार बनाते हैं। आज बाबा ने बहुत प्यारा सा गीत याद किए हैं, आज के इस इंसान को ये क्या हो गया, इसका पुराना प्यार कहाँ पर खो गया, कैसी ये मन हूस घड़ी है, भाइयों में जंग छिड़ी है, कहीं पे खून कहीं पर ज्वाला, जाने क्या है होने वाला, सबके माथा आज झुका है, आज़ादी का जुलूस रुका है, चारों ओर दगा ही दगा है, हर छुरे पर खोलने लगा है, आज दुखी है जनता सारी, रोते हैं लाखों नर नारी, रोते हैं आंगन गलियां रे, रोते हैं महल सारे, रोती सलमा रोती है सीता, रोते हैं कुरान और गीता, आज माले चिल्लाता है, कहाँ पुराना बोनाता है, डस लिया सारे देश को जहरी नागों ने, घर को लगा दी आग घर के चिरागों ने, आज के इस इंसान को ये क्या हो गया, इसका पुराना प्यार कहाँ पर खो गया। भगत ने बच्चों ने गीत सुना, ये दैवी प्यार जिसको ईश्वरीय प्यार कहते हैं। अब ईश्वर प्यार सिखलाते हैं कि कैसे एक दो को प्यार करना चाहिए। भारत में कितना सच्चा प्यार था, जब सचखंड था। सचखंड किसने बनाया था? सतगुरु, सत्य बाबा, सत्य टीचर ने। अभी तुम किसके आगे बैठे हो? सच बाबा अर्थात जो सच्चा सुख देने वाला है, सच्चा प्यार सिखाने वाला है, सच्चा ज्ञान देते हैं, उनके सम्मुख बैठे हैं तो कितनी खुशी होनी चाहिए। झूठ खंड में तो सब झूठ है, गाय भी जाता है सत्य का संग करो। तो सत्य तो एक ही है, असत्य अनेक है। जो बाप भारत को स्वर्ग बनाते हैं, बेहद का बरसा देते हैं, तुम उस बेहद बाप के सम्मुख बैठे हो जो फिर से हमको बेहद की बादशाही देने आए हैं। तो बाबा एक ही है जिसके संग से तुम विश्व के मालिक बनते हो। भक्ति में पहले पहले एक शिव बाबा की सच्ची सच्ची भक्ति होती है, उसको ही सच्ची अव्यभिचारी भक्ति कहा जाता है। बाबा कहते हैं, बाबा बैठ तुम बच्चों को सारे चक्र का ज्ञान सुनाते हैं, झूठी भक्ति से छुड़ाते हैं। सच्चे बाबा द्वारा तुम ज्ञान सुन रहे हो। तुम जानते हो यह सत्संग हमको स्वर्ग में ले जाएगा। सच्चे ज्ञान से ही बेड़ा पार होता है, और जो झूठा ज्ञान सुनाते हैं उससे बेड़ा गर्क होता है, उसको अज्ञान कहा जाता है। सच्चा ज्ञान सिर्फ बाप ही सुनाते हैं। तुम बच्चे सारे चक्र की हिस्ट्री ज्योग्राफी को समझ गए हो, तो यह सच्चा सच्चा बाबा, सच्चा सच्चा टीचर है। सत्युग में भी सच्चा बाप कहेंगे, क्योंकि वहां झूठ होता नहीं। ईश्वर को सर्वव्यापी नहीं कहते हैं। झूठ तो तब शुरू होता है जब झूठ बनाने वाले पांच विकार आते हैं द्वापर से। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में है कि हम
बेहद के निराकार बाप के सम्मुख बैठे हैं। ये बाबा भी कहते हैं हम उस बाबा के सम्मुख बैठे हैं, ब्रह्मा। हमारे सामने तो सिर्फ एक ही है, मैं उनका बच्चा हूं, फिर भी निरंतर याद नहीं कर सकता हूं, क्योंकि बाबा कहते हैं तुम कर्म योगी हो, तुम्हारी बुद्धि में सारा चक्र फिरता रहता है। सत्युग त्रेता में इतने जन्म पास किए, फिर इतने जन्म लेते लेते 84 जन्म का चक्र पूरा किया, हिसाब है ना। अब कलयुग का अंत आ गया, फिर आगे नया चक्र फिरेगा, हिस्ट्री ज्योग्राफी फिर से रिपीट होती है। सत्युग में कौन थे, कहां पर राज्य करते थे, यह भी तुम जानते हो कि सारे विश्व पर देवताएं ही राज्य करते थे। अभी तो कहेंगे तुम हमारी हद में नहीं आओ, हमारा पानी ना लो। बाबा तो बेहद का मालिक है, बाबा कहते हैं मुझे याद करो। ये बाबा नहीं कहते हैं, इन द्वारा निराकार बाबा तुम आत्माओं को कहते हैं मुझे याद करो। बाकी सिर्फ जो राजाई में जन्म लेते हैं वो वर्षे के लिए बैठते हैं। बहुत दान पुण्य करने से राजा घर में जन्म मिलता है, राजा ही संभालने पड़े। ये राजाएं तो पतित हैं, अब तुम्हें पावन राजाओं के पास जन्म लेना है। लक्ष्मीनारायण के घर में भी सूर्यवंशी की राजाई में जन्म लेना है, वहां कई प्रकार के दुख नहीं होता है, कई प्रकार के कुछ नहीं होता, सभी दुखों से छूट जाते हैं। बाबा आकर धीरज देते हैं, यह भी तुम्हारा अंतिम जन्म है, इस समय जो गरीब है वो सबसे अच्छे हैं, बाबा आए ही हैं गरीब को साहूकार बनाने। दान भी गरीबों को करना होता है, सब साधारण है ना। बाकी जो लखपति हैं उनके पास करोड़ रुपया है, कितना भी उन्हें समझाओ फिर भी अपने धन की इतनी मगरूरी रहती है। बाबा कहते हैं ऐसे को क्या धन देना है, मैं तो हूं ही गरीब निवाज, ऐसी कन्याएं माताएं ही ज्ञान लेती हैं, कन्या का कितना मान है, सब उसे पूछते हैं, फिर शादी करने से पुजारी बन जाती है। हम आधा कलप पूज्य फिर आधा कलप पुजारी बनते हैं, कन्या तो इस जन्म में ही पुजारी बन जाती है, कितना पावन है, शादी करने से ही पुजारी पतित बन जाती है। पति को परमेश्वर समझ माथा टेकती रहती है, उनके आगे दासी बनकर रहती है, तो बाबा आकर दासीपन से छुड़ाते हैं, बच्चे वृद्धि को पाते जाते हैं। तुम समझा सकते हो हम प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे शिव बाबा के पोत्र हैं, उनके मलकियत पर हमारा हक लगता है। तुम रूहानी अविनाशी सर्जन हो, रूहानी सर्जरी का कोर्स पास कर रहे हो, बोर्ड लगाना पड़ेगा। बोलो, इस बाप को याद करने से तुमको बेहद की बादशाही मिलेगी। बाबा ने प्रश्न बहुत अच्छे लिखे हैं, बाबा के कितने रूहानी बच्चे हैं, बाल बचड़े वाले हैं ना, इसमें भाई बहन दोनों आ जाते हैं। बाबा के पास आते हैं तो समझाता हूं कितने भी के हैं, कितना बचड़े वाले हैं, बच्चे वृद्धि को पाते जाते हैं। तो आज बाबा हम बच्चों को धारणाओं में कहते हैं, नॉलेज को धारण करने के लिए दिल बड़ी साफ रखनी है, सच्ची दिल से बाप की सेवा में लगना है, सेवा में कभी भी थकना नहीं है। दूसरी बात बाबा कह रहे हैं, वायदा करना है, मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा ना कोई, देह से देह के सब छोटे संबंध छोड़ एक से सर्व संबंध जोड़ने हैं, गरीबों को ज्ञान धन का दान देना है। आज बाबा हम बच्चों को वरदान दे रहे हैं, भाग्य और भाग्य विधाता की स्मृति से सदा खुश रहने और खुशियां बांटने वाले सहज योगी भव। बाबा कहते हैं संगम खुशियों का युग है, मौजों का युग है, तो सदा खुशी में रहो और खुशियां बांटते रहो। भाग्य और भाग्य विधाता सदा याद रहे, बाप मिला सब कुछ मिला, यह स्मृति ही सहज योगी बना देगी। दुनिया वाले कहते हैं कि कष्ट के बिना परमात्मा नहीं मिल सकता, और आप कहते हो घर बैठे बाप मिल गया, जो सोचा नहीं था वो मिल गया,
खुशियों का सागर मिल गया। इसी खुशी में रहो, यह भी सहज योग है। आज बाबा हम बच्चों को स्लोगन दे रहे हैं, शुद्धि और विधि पूर्वक हर कार्य करने वाले ही सच्चे सच्चे ब्राह्मण हैं। शुद्धि और विधि पूर्वक, तो आज बाबा जिस प्रकार से मुरली हम बच्चों को सुनाए उस अनुसार हमें सोमान लेना है। मैं सहज योगी खुशियों से भरपूर मैं आत्मा हूं। मुरली को और गहरी रीति से चिंतन करते हुए निरंतर श्री बाबा की याद में रहना है कि सर्वशक्तिमान परमपिता परमात्मा सदा मेरे साथ है, मेरे मस्तक के ऊपर है, छत्र छाया के रूप में। मुस्कुराते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, पुरुषार्थ करते रहिए, खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।